हेलो दोस्तों, आईटी स्मार्टिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मंगेश। चलो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको नया टेक्निकल वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। अपने विंडोज के पीसी में जो यूजर रहता है उसको पासवर्ड कैसे देते हैं, उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। कोई भी अपना पीसी यूज़ कर लेता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ले लेता है, तो इसके लिए पासवर्ड प्रोटेक्ट अपना पीसी होना चाहिए। तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए जाना है माई कंप्यूटर पर, राइट क्लिक करना है, मैनेज में जाना है, मैनेज में जाना है, लोकल में जाना है, यूज़र यूज़र इसमें यूज़र सेलेक्ट करना है, किसको पासवर्ड किसको पासवर्ड देना है। ठीक है, सपोज़ आईटी स्मार्ट को देना है सेट पासवर्ड, जिसको पासवर्ड देना है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेट पासवर्ड, प्रोसीड, यहाँ पे पासवर्ड जो देना है वो दे सकते हो। ओके ओके, ठीक है, राइट क्लिक करते सेट पासवर्ड, इसको देना है तो इसको भी दे सकते हो। ओके ठीक है, उसके बाद ए भी एक मेथड है। उसके बाद कंट्रोल पैनल में, स्टार्ट में कंट्रोल पैनल, यूज़र, यहाँ से भी रिमूव योर पासवर्ड, चेंज योर पासवर्ड, ठीक है, यहाँ से भी मैनेज करा सकते हो। ये देखो चेंज पासवर्ड, सेट पिक्चर, यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन इफ यू लाइक दिस वीडियो। Please do not forget to like and share. Thanks for watching. Thank you.